जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म बाई अंकित में। सो आज के इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम डेट, अभी तक टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, एग्जाम डेट आपकी आगे बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, 40 दिन में तैयारी कैसे करें, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 200 प्लस मेल के लिए, मेल के लिए 185 प्लस, और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 210 के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। और अभी तक टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं आप लोगों के बता दें। आज की एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास जो निकल के आ रही है वही हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप एक बुक देख लीजिए। आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का निकल के आ रहा है। इस बुक में 5 साल पेपर और प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न 2024 को देखते हुए यह बुक बनाया गया है। यदि आप इस बुक को ले लेते हैं स्टडी गाइड को, साथ ही में आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट भी लेना भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। इस बुक में आपको सब कुछ टॉपिक वाइज दिया गया है। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपको भर्ती होने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी। साथ ही में ये आपका प्रैक्टिस सेट है। यदि आप स्टडी गाइड तो प्रैक्टिस सेट दोनों साथ में लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में यहाँ से ले सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन या तो आप ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिंक से ही खरीदें। ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, आपको भर्ती करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी चक्षु पब्लिकेशन की। बात करते हैं आज तक टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है 10 जनवरी तक। तो आपको बता दें 10 जनवरी तक टोटल फॉर्म की संख्या आपकी है 23,60,715। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 23,60,715 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। संशोधन का डेट आपका आ गया है 18 जनवरी को ही होगा, लेकिन ये डेट आपका आगे बढ़ सकता है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई, चूँकि सर्वर तो डाउन तो है नहीं, हर जगह बराबर सब कुछ चल रहा है, इसलिए आपका डेट बढ़ने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा डेट यदि आपकी 15 जनवरी तक आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपकी एग्जाम कितना लेट होगा आप ही लोग जानते होंगे, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर आप लोग देख ही रहे होंगे 2 साल बाद पेपर हो रहा है। इसी तरह यदि इसका भी फंस गया तो बहुत लेट पेपर होगा। तो जो भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तैयारी के लिए बेस्ट बुक जो बताएं इसी को आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका सब सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा।